दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बड़ौदा पर खेड़ा खलीलपुर गांव में पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे किसानों को मनाने के लिए मंगलवार को अश्वनी कुमार एसटीएम नुह तथा एनएचएआई के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और किसानों से काम नहीं रोकने की अपील की, लेकिन किसानों ने उसके बावजूद भी प्रदर्शन समाप्त नहीं किया और एप्को इंफ्राटेक कंपनी का कामकाज रुकवाया हुआ है। इसी मामले में आज शाम अजय कुमार उपायुक्त नुह से मुलाकात होने की बात थी, लेकिन डीसी साहब छुट्टी पर थे। बता दें कि कोई बीच का रास्ता निकलने के लिए जिला प्रशासन जुट गया है ताकि पिछले 3 दिन से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रुका निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके। खेड़ा खलीलपुर गांव के किसानों को मनाने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहुंचे अश्वनी कुमार एसटीएम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि किसान कानून को अपने हाथ में लेने का काम ना करें। एनएचएआई के अधिकारी व किसानों के साथ उपायुक्त से मुलाकात जल्द कराएंगे, जिसमें कोई ना कोई सहमति जरूर बनेगी और कामकाज पहले की तरह सुचारू हो पाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बड़ौदा का निर्माण होने की वजह से खेड़ा खलीलपुर मिडकोला लिंक मार्ग तोड़ दिया गया है, उसके ऊपर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनाया गया है। इसके अलावा इसी गांव की सीमा से लगते कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे तथा डीएनडी मार्ग भी बनाया गया है। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन इन मार्गों के दोनों तरफ लगती है, अगर उन्हें पक्का लिंक मार्ग बनाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ साथ बनाकर खेड़ा खलीलपुर मंडकौला लिंक मार्ग से नहीं जोड़ा गया तो उन्हें भविष्य में खेती करने में भी दिक्कत आ सकती है। अगर उनका ये मार्ग नहीं बना तो उन्हें कई किलोमीटर दूर घूमकर अपने खेतों पर जाना पड़ेगा, जिससे समय व धन की बर्बादी होगी। इसी बात को लेकर किसान पिछले 3 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा बस सिर्फ एक कहना है कि मेरे वार्ड नंबर 8 का ये बहुत बड़ा गांव है और मौजा इसका बहुत विस्तृत फैला हुआ है। मंडकोला से खेड़ा खलीलपुर जो रास्ता आता है कनेक्टिविटी करने, इस कनेक्टिविटी में इस रास्ते के दोनों तरफ हमारे गांव के खेत लगते हैं और हमारी जितनी छोटी बच्चियां, औरतें, बूढ़ी औरतें सभी अपने खेत खलियान में आती हैं, जो कि खेत खलियान तक पहुंचने के लिए आज जिस तरीके से, लेकिन उस समय रोडे और ये सारी चीज़ बिछा दी गई जिसमें गांव झांसे में आ गया। और आज उसी को लेकर एसडीएम साहब डीसी साहब से कही, एसडीएम साहब विजिट कर रहे हैं, पीडी जो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं गर्ग साहब वो भी साथ हैं, उसमें सारा निरीक्षण हो चुका है कि जो इतनी बड़ी दुविधा है कि हमारे खेड़ा खलीलपुर गांव से अगर हम अपने इसी 1 किलोमीटर दूर, आधा किलोमीटर दूर खेत पे आते हैं तो लगभग 20 किलोमीटर आना जाना पड़ेगा, आने जाने में 20 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा पूरे गांव का। इसलिए मेरी अपने गाँव वालों से भी अपील है कि पहले हम शांतिपूर्वक एक अपने प्रशासनिक अधिकारियों से कहकर, आज उनके समझ में भी आ गई है, एसडीएम साहब ने मौका निरीक्षण कर लिया है, वो इस बात को मान रहे हैं कि लगभग 20 किलो आधा किलोमीटर आने के लिए 20 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। वो इसको उम्मीद है हम पूरे गांव वासियों को कि साहब हमारी सारी चीज़ें क्लियर करवाएंगे और जो जैसे इन्होंने पहले रोडे डाले थे उसी रोडे से जो हमें आसपास ये लोगों की जो शिकायत थी उसको देख के हम आए हैं और यहाँ नेशनल हाईवे का काम रुकवा दिया था गाँव वालों ने, तो मैंने दोनों रास्ते देखे हैं जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सजेस्ट कर रही है और गांव वाले जो चाह रहे हैं, तो मैं अपनी पूरी रिपोर्ट डीसी साहब को दूंगा और मेरी गांव वालों से रिक्वेस्ट रहेगी कि कानून अपने हाथ में ना लें, डीसी साहब के वहां आज शाम को ही आ जाएं ताकि दोनों पक्ष बैठ के अपना फाइनल डिसीजन ले पाए।